हेलो फ्रेंड्स, मैं अहमद आपको अपने यूट्यूब चैनल टेलीविजन में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप बैनर देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे डेबिट स्प्रेड के बारे में। डेबिट स्प्रेड एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी होती है और बहुत ही कम कैपिटल में आप अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सीधे आपको ऑप्शन के सिमुलेटर में लेके जाता हूँ। देखिए, 18 तारीख से 28 तारीख तक ये हम टेस्ट करेंगे। इस पूरे ड्यूरेशन में मार्केट जो है नीचे गया था, तो हम अगर हमको डायरेक्शन का अंदाज़ा है तो हम एट द मनी का एक पुट बाय करेंगे और 35 डेल्टा का एक पुट शॉर्ट करेंगे। अब इसमें आपका डाउन साइड जो रिस्क है वो 5668 रुपये का है। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें 9331 रुपये का है। आपको इसमें 21,000 रुपये आपको लगना है, तो हमारा टारगेट 2,000 या 2,500 से ऊपर नहीं होगा इसमें। तो मैं इसको आगे टेस्ट करता हूँ कि हमको 2,500 रुपये कब मिलता है इसमें। तो मैं इसको सीधे एक दिन आगे लेके जाता हूँ। मार्केट ने कुछ खास नहीं किया था, 63 का प्रॉफिट हो रहा है। ये दूसरे हम 1800 के प्रॉफिट में हैं। तीसरे दिन हमारा प्रॉफिट कुछ कम हो गया। ये हम 2,500 के आसपास पहुँच गए हैं 22 तारीख को। अब देखिए, निकलने का तो ये परफेक्ट समय है, क्योंकि आपका लगा ही 20,000 है। करीब करीब 10% आप इसमें से ज़्यादा ही आप कुछ आपको मिल रहा है, तो यहाँ तो आपको निकल जाना चाहिए। पर हम टेस्ट कर रहे हैं, एजुकेशनल वीडियो है ये, तो हम इसको पूरा आखिर तक लेके जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो मैं इसको एक दिन और लगे जाते, 6,000 रुपये हो गया हमारा। 26 तारीख को 1800 वापस हो गया। 27 को 5,000 रुपये और 28 को सुबह 7,981 रुपये हो गए। तो इसको मैं आखिर तक ले जाता हूँ, तो ये आपका 6,295 रुपये आपने अर्न किए इसमें। बीच में मौके मिले थे आप, और अगर आप 15 मिनट में इसको टेस्ट करेंगे तो सबका आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा बीच में। पर हमने इसको सीधे एक दिन आगे बढ़ाया, क्योंकि हमको पता था मार्केट नीचे गिरने वाला है। पर क्या हो अगर आपका व्यू गलत हो, आपने नीचे सोचा हो या ऊपर सोचा हो, मार्केट नीचे जा रहा है, उस स्थिति में क्या एडजस्टमेंट होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं इसको फिर 18 तारीख को लेके आता हूँ, और हमको पता मार्केट गिरने वाला है, नीचे आने वाला है, तो हम फिर भी अपसाइड एक ट्रेड बनाएंगे। तो हमने इसमें एट द मनी का कॉल बाय कर लिया, और 35 तो नहीं है, 36 चलेगा, 36 डेल्टा हमने सेल कर दिया। अब देखिए, आपका सी से कुछ ऐसा बनेगा, 6,000 मैक्सिमम लॉस, 6,800 और मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 8,185 रुपये है। अब इसमें एडजस्टमेंट क्या करना है, आपको ग्रीक्स देखने हैं बस। आपने 35 डेल्टा का सेल करके रखा है, अगर ये 20 डेल्टा हो जाता है, देखिए अगर ये ऊपर गया और तब आपको ये लॉस देने लगे, अगर आपका सेल लग, दैट मीन्स कि आप प्रॉफिट में। पर अगर आपको ये नीचे आ जाए, 20 डेल्टा पहुँच जाए, तब हम एक फिर 35 डेल्टा का सेल करेंगे इसमें। अब मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। एक दिन आपको 295 का नुकसान है, हमारे ग्रीक्स देखिए आप 34 हैं। फिर एक दिन आ गया था, ये देखिए 20 एल्टा हमारा पहुंच गया है, 2,700 रुपये का लॉस होगा इसमें। अब हम इस पोजीशन में क्या करेंगे, देखिए इसमें दो प्रकार के एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, मैं आपको दोनों एडजस्टमेंट बताता हूँ। पहले तो आप एक 35 डेल्टा या उससे थोड़ा सा ऊपर, डिपेंड करेगा उस समय मार्केट में क्या है, 37 डेल्टा हम और सेल करते हुए, तो ये हमारा रेशियो स्प्रेड बन जाएगा। आप देखेंगे कि आपको लॉस आपका पूरी तरह ख़त्म हो गया इस तरफ। अब मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए, आपको लॉस नहीं होगा। आपका ब्रेक इवन भी 37,531 है, जबकि अभी मार्केट 36,490 चल रहा है। तो आपको दोनों साइड अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है। तो ये 20 तारीख को 9:20 में है। मैं देखता हूँ कि इसमें प्रॉफिट आप ज़ीरो में कब निकलेंगे। ये देखिए, आपको लॉस घट के 1,235 रुपये हो गया, और ये आप प्रॉफिट में आ गए, बस आपको इसी पॉइंट पे निकल जाना है।
आपको लॉस तो नहीं होना, आपको तो आप इतने पॉइंट में निकल जाइए कि आपको इससे ज़्यादा प्रॉफिट में जाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है मार्केट रिवर्स हो जाए तो आपको लॉस देने लगे, फिर भी हम इसको आखिरी तक लेके जाते हैं। हमारा 783 रुपये मैक्सिमम प्रॉफिट है जो कि हमको मिल गया 782 रुपये। अब इसका सेकेंड एडजस्टमेंट क्या होगा वो आपको बताता हूँ। मैं इसको 20 तारीख की डेट में लेके जाता हूँ, 20 तारीख को, 20 तारीख को पहुँच गया हम, और मैं इसको 9:20 पे ले आता हूँ जब हमारा एडजस्टमेंट हमको करना था। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इस पॉइंट में एक और सेल किया था 35 डेल्टा का, से थोड़ा ऊपर, जिससे कि हमारा लॉस लेस हो जाए जहाँ हमको लॉस हो रहा है। अब इसका सेकेंड एडजस्टमेंट क्या होता है, सेकेंड एडजस्टमेंट होता है कि इसको आप एक ब्रोकन विंग आयरन फ्लाई में चेंज कर दें। अगर आपको डायरेक्शन का अंदाज़ा है कि बस अब यहाँ से नीचे और नहीं गिरेगा ये, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको जो लेग प्रॉफिट दे रहा है उसको आप बुक कर लें। आपका ये लेग प्रॉफिट दे रहा है तो उसको 139.4 में हम बुक कर लेंगे, और एट द मनी का कॉल और पुट दोनों हम सेल कर देंगे। तो ये मैंने एट द मनी का कॉल और एट द मनी का पुट मैंने शॉर्ट कर दिया। ये आपको तभी करना है जब आपको मार्केट के डायरेक्शन का अंदाज़ा हो। अब देखिए आप, हमारा ये हो गया है, आपको अगर मार्केट यहीं कहीं चलता और यहीं कहीं ख़त्म हो जाता तो आपको इतना फ़ायदा होता। तो अगर आपको डायरेक्शन का अंदाज़ा कि बस मार्केट का बॉटम यही है और यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, तो आप ये ऐसा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं इसको आगे लेके जाता हूँ, देखिए आपका लॉस घट के 87 हो गया है। मैं दिन और लेके जाता हूँ, आप 800 रुपये करीब के लॉस में है, आपका लॉस 10,000 हो गया क्योंकि आपका ब्रेक इवन ब्रीच हो गया है। आप वापस आ रहे हैं, आपको 2,000 का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है सॉरी। अब आप इस पॉइंट में क्या कर सकते थे, देखिए मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि आपको डायरेक्शन का अंदाज़ा होना चाहिए कि मार्केट का बॉटम आ गया कि नहीं आ गया। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको मार्केट का सही अंदाज़ा हो, नहीं तो आप ये एडजस्टमेंट मत करिए, क्योंकि उसमें फिर इसको बचाने के लिए फिर आपको और यहाँ से कॉल सेल करने पड़ेंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये आपने 25 डेल्टा का कॉल सेल कर दिया, आपका ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और एक 50 डेल्टा का कॉल आपने बाय कर लिया, सॉरी पुट बाय करना था हमको। पर इससे होगा क्या कि आपका, आपको प्रॉफिट तो क्या होगा, मार्केट तो क्या पलट गया था, पर फिर भी आपको प्रॉफिट क्या होगा। इसलिए आप, मेरा आपको कहना यही होगा कि अगर आपको लग रहा हो कि मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है, तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन था कि आप फर्स्ट एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया वो आप करते। इस केस में तो मार्केट थोड़ा ऊपर आया क्योंकि इसका बॉटम यही था, ये ऊपर आके यहाँ आया। आप देखिए आपको 2,500 का फ़ायदा हो रहा है, हम 28 में चलते हैं, 1,000 का फ़ायदा हो रहा है, आप 3,000 के फ़ायदे में निकले। तो ये दो एडजस्टमेंट हैं, इसमें से अगर आपको डायरेक्शन का अंदाज़ा नहीं है तो आप पहले एडजस्टमेंट करेंगे, और अगर आपको डायरेक्शन का अंदाज़ा है कि मार्केट बस यहाँ से अब वापस रिवर्सल ले सकता है, या 60 SMA को टेस्ट कर रहा है और नीचे जा रहा है, या 60 SMA को टेस्ट कर रहा है और ऊपर जा रहा है, उस समय आप ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी स्ट्रेटेजी ज़रूर बताइएगा, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, टोटली फ्री है। और एक प्रीमियम ग्रुप भी है हमारा, जिसमें हम लाइव मार्केट में ट्रेडर्स को असिस्ट करते हैं और कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी है उनके लिए, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।